हाँ दोस्तों, यह है हमारी नौदे की क्लास की पहली गणित की क्लास। इसमें आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे नौदे की क्लास 2023-24 के एग्जाम में छपने वाले प्रश्न कैसे बनेंगे गणित के, उन सभी के बारे में। लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों तो लगातार वीडियो आती रहेगी मैथ की, उसको लगातार देखते रहे। आपके पहला टॉपिक है दोस्तों मैथ में प्रिमेय संख्याएं। क्या है दोस्तों? प्रिमेय संख्याएं। एक बार से भी हेडिंग डाल लें, प्रिमेय संख्याएं। प्रिमेय संख्या अब मैं आपको बता दूं प्रिमेय संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले इधर है, ये सारणी बना रहा हूं मैं, आवर्त सारणी। जैसे कह रहे हैं आवर्त सारणी का वास्तविक सारणी, वास्तविक सारणी। इसमें बीचों बीच मान रहता है जीरो, जीरो के आगे एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार मान आगे बढ़ते रहते हैं, और उसी प्रकार मान इधर पीछे भी आते हैं। यानी जीरो के इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार। ठीक है दोस्तों, ये आप पॉइंट डाल रहे हैं, यहाँ माइनस चार है, यहाँ माइनस तीन है, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, माइनस एक, प्लस दो, सॉरी प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार। अब मैं आपको बता दूं प्रिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले जो ये सारणी है इसे कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। इसे कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। यानी कोई सा भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसकी जो बेसिक जानकारी होती है दोस्तों वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस वास्तविक संख्या रेखा में, अब इस वास्तविक संख्या रेखा में प्रिमेय संख्याएं, अब प्रिमेय संख्याएं है हमारा टॉपिक। तो पहली प्रिमेय संख्या होती है प्रिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं। क्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं, अगर मैं आपकी ये क्लास है इसमें अभी मेरे को स्टूडेंट देख रहे हैं, टोटल स्टूडेंट पांच, मान लो कितने देख रहे हैं, पांच, तो मैं गिनूंगा एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने स्टूडेंट है? पांच। तो मैं गिनती शुरू करूंगा प्राकृत रूप से, यानी प्राकृतिक रूप से गिनती शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार, और फिर ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, यानी गिनती प्राकृत संख्याओं में कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। यहां क्लियर है बात, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। अब इसके बाद ये प्राकृत संख्या भी प्रिमेय संख्या है, और उसके बाद आता है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं दोस्तों जीरो से। कहां से शुरू होती है? यहां से शुरू हुई, इसे तो हमने नाम दे दिया क्या संख्याएं? प्राकृत संख्या। अगर कोई संख्या जीरो से शुरू होती है फिर अनंत तक जाती है, अनंत का चिन्ह मैं बना देता हूं, ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? जीरो से। कहां से शुरू होती है? जीरो से। प्राकृत तो शुरू होती है एक से, पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो से। कहां से शुरू होती है? जीरो से। फिर जीरो, फिर एक, दो, तीन, चार, और फिर इस प्रकार ये कहां तक जाता है? अनंत तक। यानी हजारों संख्याएं, लाखों संख्याएं आती हैं। तो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं। प्रिमेय संख्याओं के हैं भेद, ये पहला भेद। टोटल कितने भेद हैं? चार भेद हैं प्रिमेय संख्या के। कितने भेद हैं? चार। पहला प्राकृत संख्या है, दूसरा पूर्ण संख्या है, अब तीसरा देखिए दोस्तों पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों? पूर्णांक संख्या है।
पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं सब? पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं दोस्तों जिसमें माइनस भी आता है प्लस भी आता है, दोनों ही संख्याएं मिलके आती हैं, उसे कहते हैं यानी प्लस वाली संख्या है माइनस वाली संख्या है दोनों ही संख्या मिलकर आती हैं, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसमें आएगा हमारा माइनस तीन, माइनस दो, माइनस, यानी आगे भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं संख्या लिख रहा हूँ अपनी बोर्ड में आती थी, फिर जीरो, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, यानी प्लस की संख्याएं भी आती है माइनस की संख्याएं भी आती हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याएं में एक से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है, और पूर्णांक संख्याओं में माइनस के, यानी प्राकृत में तो यही आ गए, पूर्ण में जीरो वाली आ गई, और पूर्णांक संख्याओं में पूरी की पूरी संख्याएं ही, यहां से देखो यहां तक पूरी की पूरी संख्याएं आती है। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? अब आता है दोस्तों नंबर चार पर, भिन्न। क्या आती है दोस्तों? भिन्न, भिन्न संख्याएं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? भिन्न। भिन्न कैसे बनती है दोस्तों? भिन्न बनती है दोस्तों दो प्रकार से, एक तो तीन बटा दो, दो बटा तीन, ऐसे भिन्न चलती है। ये प्लस वाली मैंने लिख दी, ये मैंने लिख दी माइनस, फिर ये मैंने लिख दी माइनस चार बटा तीन, ये क्या है? भिन्न है। भिन्न में ऊपर वाले को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं इसे? अंश। आपको बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। अंश इसे कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, अंश या हर, ये चारों ही संख्याएं प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, भिन्न संख्या है। किसके प्रकार है? प्रीमेय संख्या के प्रकार है। जैसे संज्ञा है या फिर वचन है तो उसके प्रकार आता है एकवचन बहुवचन, वैसे ही इसके प्रकार है चार प्रकार। संज्ञा मान लो तो व्यक्तिवाचक, धातुवाचक, भाववाचक आदि संज्ञा है, वैसे ये इसके प्रकार है। यानी ये संख्याएं आपको कहीं दिखती हैं तो वो क्या है? एक प्रीमेय संख्या है। पहचान का अंत करते हैं दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।